नमस्कार दोस्तों दोस्तों कहते हैं कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छे से हो तो पूरा दिन सही से बीत जाता है और किसी भी तरह की परेशानी दिन भर नहीं होती है। ये जरूरी होता है कि आप सुबह उठते ही केवल शुभ चीजें देखें ताकि आपका दिन अच्छे से गुजर जाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठने के 24 मिनट तक केवल अच्छी चीजों को देखना चाहिए और किसी भी प्रकार के अशुभ चीज पर नजर नहीं जानी चाहिए। इसलिए आप जब भी सुबह उठें तो कभी भी बताई गई चीजों को ना देखें, क्योंकि इन चीजों को देखने से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वास्तु टिप्स और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियाँ लगातार आपको मिलती रहे। सुबह उठकर अपनी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की परछाई बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आप सुबह उठने के बाद एक घड़ी यानी 24 मिनट के अंदर ही किसी व्यक्ति या अपनी परछाई देख लेते हैं तो इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है और आपको पूरे दिन तनाव, डर, गुस्सा महसूस होता रहता है। इसलिए कभी भी आप बेड से उतरने के बाद परछाई ना देखें। अपने कमरे में किसी भी जानवर की तस्वीर को ना लगाएं और सुबह उठते ही किसी भी जानवर को नहीं देखें, क्योंकि सुबह अगर आपकी नज़र सबसे पहले जानवर की तस्वीर पर या फिर किसी जानवर पर पड़ती है तो आपका सामना किसी विवाद से हो सकता है और आपका दिन खराब गुजरता है। इसी तरह से आप सुबह किसी कुत्ते को भौंकते हुए या उन्हें लड़ाई करते हुए भी ना देखें। रात को सोने से पहले अपने घर के सभी गंदे बर्तनों को साफ करके ही सोएं, क्योंकि सुबह किचन में गंदे बर्तन दिखने से आपको कोई अशुभ संदेश मिल सकता है और आपका पूरा दिन तनाव में गुजरता है। इसलिए संभव हो तो रात के समय बर्तनों को साफ करके ही सोएं। आईना ना देखें। सुबह उठने के बाद कभी भी आप सबसे पहले आईने को ना देखें, क्योंकि आईना देखने से आप नकारात्मकता ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं और पूरे दिन आपके विचारों में नकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है, जिसके चलते आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। वास्तु शास्त्र में भी साफ तौर पर कहा गया है कि आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में आईने की दिशा हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि सुबह उठते ही आपकी नज़र आईने पर ना जाए। वहीं आजकल काफ़ी सारे ऐसे पलंग भी होते हैं जिन पर आईना लगा होता है। अगर आपके पास भी ऐसा पलंग है तो आप उस पलंग पर लगे शीशे को रात को सोने से पहले किसी कपड़े से ढक दें, ताकि आपकी नज़र उस शीशे पर ना पड़े। सुबह बंदर को देखना और इसका नाम खाना खाने से पहले लेना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि कभी भी आप सुबह कुछ खाने से पहले इस जानवर का नाम ना लें, क्योंकि इस जानवर का नाम खाली पेट लेने से आपको पूरे दिन समय पर खाने को कुछ नहीं मिलता है। चलिए ये तो हो गई कि आपको क्या नहीं देखना है या क्या नहीं करना है। आइए अब आपको हम बताते हैं कि सुबह उठकर क्या देखें और क्या करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेली को देखना अच्छा होता है और गायत्री मंत्र या फिर किसी भी मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इसी तरह से बिस्तर से उठने के बाद सकारात्मक चीजें जैसे कि भगवान की फोटो, मोर के पंख, फूल इत्यादि चीजें देखी जाए तो आपका दिन अच्छे से कट जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय माता दी मित्रों।